तो अगर आप भी पुणे यूनिवर्सिटी के एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में 40 या फिर 40 से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो गाइज आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के बारे में काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ। जैसे कैसे आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, कौन से चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है, जो पेपर पैटर्न है वो कैसे आता है, हर एक यूनिट का जो वेटेज है वो कितना आता है, उसमें कितने सब क्वेश्चन हो सकते हैं, कैसी चेकिंग होती है, कौन पेपर सेट करता है, क्या हम चीटिंग वगैरह कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, और भी काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी ये सारी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो बता देता हूं, ताकि आपको एंड सेम एग्जाम का जो बेसिक आइडिया है वो आ जाए। तो ये गाइस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो आपका जो एंड सेम का एग्जाम का पेपर है गाइस वो रहता है 70 मार्क्स का। 70 मार्क्स के लिए गाइस आपको 2.5 आवर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो दिया जाता है। इस समय में गाइस आप इजीली जो पूरा पेपर है वो सॉल्व कर सकते हो। जो एंड सेम का पेपर रहता है गाइस उसमें कोई भी जो एमसीक्यूज है वो नहीं रहते हैं, पूरा थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के ऊपर जो पेपर है वो रहता है। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस रहते हैं गाइस वो 8 रहते हैं। इसमें से आपको कितने सॉल्व करना है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में गाइस जो सेपरेट पासिंग होती है वो रहती है, जैसे इन सेम में सेपरेट पासिंग नहीं रहती है, बट एंड सेमेस्टर में गाइस जो है वो सेपरेट पासिंग होती है। वो कितने मार्क्स की होती है वो भी गाइस मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। अब गाइस बढ़ते मार्किंग स्कीम की ओर, कि जो आपका मार्किंग स्कीम है वो कैसा रहता है। तो आपका जो एंड सेमेस्टर का पेपर होता है गाइस वो रहता है 70 मार्क्स का, और इन 70 मार्क्स के लिए गाइस आपको जो बचे हुए 4 यूनिट्स रहते हैं वो आते हैं। तो यूनिट नंबर 3, यूनिट 4, यूनिट 5 एंड यूनिट 6 जो है वो आपको पेपर में पूछे जाएंगे। अब मेनली गाइस ऐसा होता है कि जो यूनिट 3 है वो 18 मार्क्स के लिए आता है, जो यूनिट 4 है वो 17 मार्क्स के लिए आता है, जो यूनिट 5 है वो 18 मार्क्स के लिए आता है, और जो यूनिट 6 है वो 17 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, तो जनरली हमें ऐसा जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने को मिलता है, जिसमें दो ऐसे यूनिट होते हैं जो कि 18 मार्क्स के लिए आते हैं और दो यूनिट ऐसे होते हैं जो कि 17 मार्क्स के लिए आते हैं। ठीक है, बट ये कंफर्म नहीं है कि यूनिट 3 18 मार्क्स के लिए आएगा या फिर जो यूनिट 4 है वो 17 मार्क्स के लिए आता है। इसमें जो इंटरचेंज है वो हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है कि यूनिट 3 18 मार्क्स के लिए आ जाए, कोई पेपर में ऐसा हो सकता है कि यूनिट 3 जो है वो 17 मार्क्स के लिए आ जाए। ठीक है, बट स्टार्टिंग के दो यूनिट में 3 एंड 4 में से एक 17 के लिए आएगा, एक 18 के लिए आएगा, और जो बचे हुए फिफ्थ एंड सिक्स यूनिट है उसमें भी गाइज हमें ऐसे ही देखने को मिलता है कि एक यूनिट 18 मार्क्स के लिए आता है और एक यूनिट जो है वो 17 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, तो ये गाइज जनरल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू यूनिट्स। तो यूनिट वाइज मार्किंग स्कीम मैंने आपको बता दी। अब जो पेपर पैटर्न है गाइस एंड सेम का वो कैसे आता है और एक्चुअल पेपर कैसे आता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और पूरा जो पैटर्न है वो समझाता हूँ। तो ये गाइस एग्जाम पैटर्न ऑफ एंड सेम एग्जाम। तो जो एग्जाम पैटर्न है गाइस एंड सेम का वो इन सेम की तरह ही रहता है। इसमें भी हमें क्वेश्चंस के बीच में जो है वो ऑप्शंस मिलते हैं, बस एंड सेम में जो है नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा रहते हैं, इसलिए नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वो भी यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। तो एंड सेम एग्जाम में कुल मिला के जो 8 मेन क्वेश्चंस है वो देखने को हमें मिल जाते हैं, जिसमें से हमें कई जो है वो 4 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये यूनिट 3 से रिलेटेड रहेगा। इसमें अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है तो ये पूरा सॉल्व करो, या फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पूरा सॉल्व करो। ठीक है, दोनों में से एक जो है वो पूरा आपको जो है वो चूज़ करना पड़ता है और उसी को पूरा जो है वो सॉल्व करना पड़ता है। अगर आप इसके दो सॉल्व करते हो और इसका लास्ट करते हो तो फिर आपको कम मार्क्स जो है वो मिलेंगे। तो इसमें गाइस काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन सिलेक्ट करने में, वो पहले दो क्वेश्चन देख लेते हैं और जल्दी जल्दी सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि जो लास्ट क्वेश्चन है वो तो आ ही नहीं रहा और जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसको पढ़ा नहीं और उसके सारे जो क्वेश्चन है वो उनको आ रहे थे। तो इससे आपके जो मार्क्स है वो जा सकते हैं। तो जब भी गाइज आप क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे, ट्राई करना कि तीनों जो क्वेश्चन है, तीनों चार जितने भी वहाँ पे सब क्वेश्चन रहेंगे वो अच्छे से पढ़ना और देखना कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको ज़्यादा अच्छे से आता है या फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपको ज़्यादा अच्छे से आता है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करना। एक क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करना स्टार्ट मत करना, इससे आपका जो है वो लॉस हो सकता है। अब एंड सेम एग्जाम में जो सब क्वेश्चन होते हैं गाइज, इसमें आपको जो मार्किंग स्कीम में जो चेंज है वो देखने को मिल सकता है। मिनिमम गाइज यहाँ पे जो सब क्वेश्चन है वो 2 रह सकते हैं और मैक्सिमम जो सब क्वेश्चन है वो यहाँ पे जो है वो आपको 5 पूछे जा सकते हैं, बट मैक्सिमम टाइम 3 क्वेश्चंस जो है वो हमें यहाँ पे सब क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चंस रहेंगे तो उनका जो मार्किंग स्कीम है वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, 7 7, ये 14 हो गया और ये जो बचे हुए 4 है वो 18 हो गया। ठीक है, अगर आपको यूनिट 3 जो है वो 18 मार्क्स के लिए आया है तो कुछ ऐसा जो आपका पैटर्न है वो रह सकता है, यहाँ पे भी आपको सेम ऐसा ही रहेगा। तो एक तो ये पूरा सॉल्व करो या फिर ये पूरा सॉल्व करो। ठीक है, अगर यूनिट 3 18 मार्क्स के लिए आएगा तो फिर यूनिट 4 जिसका क्वेश्चन नंबर 3 और जो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा गाइस वो 17 मार्क्स के लिए रहेगा, और अगर इसमें भी 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो फिर मार्किंग स्कीम 7 7
थ्री जो है वो रह सकती है। इसमें आपको थोड़ा बहुत जो चेंज है वो देखने को मिल सकता है मार्किंग स्कीम में, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है 12, 6, 6 और 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल सकता है, बट मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन के बीच में ही गाइज आपको यहाँ पे जो सब क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। इसमें और कुछ चेंज आ सकते हैं, अगर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कैसे मार्किंग स्कीम रहेगा। सपोज़ यूनिट 5 से रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, ठीक है, अगर इसमें बस आपको मिनिमम 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 1 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है और 1 क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। डिपेंड करेगा कि यूनिट 5 से रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 है ये 18 मार्क्स के लिए आता है या फिर 17 के लिए आता है। अगर 17 के लिए आता है तो यहाँ पे 7 हो सकता है, ठीक है, 10+7 कर सकते हैं या फिर 9+8 जो है ऐसा जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के आसपास जो है वो आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो सेट किया जाएगा और मिनिमम टू और मैक्सिमम 5 जो क्वेश्चन है वो इसमें आ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक एक्चुअल जो पेपर है वो भी दिखा देता हूँ जिससे आपको एक जनरल आइडिया आ जाएगा कि ओवरऑल जो पेपर है वो कैसा रहता है। तो ये है गाइज SME का पेपर एंड सेमेस्टर का। तो आप देख सकते हो 2.5 घंटे का जो टाइम है वो दिया गया है, इंस्ट्रक्शन सारी दी रहती है, 70 मार्क का आपका ये जो पेपर है वो रहता है। जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो अकॉर्डिंग टू योर PNR नंबर रहता है। इन सेम में जो सीटिंग नंबर है वो आपके कॉलेज के रोल नंबर वाइज रहते हैं, बट एंड सेम में जो है वो PNR नंबर के अकॉर्डिंग आपके जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो रहता है। फिर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पे मार्किंग स्कीम है 7, 7, 4, ठीक है, 7, 7, 14 हो गया और 4, 18 हो गया, ठीक है। तो ऐसा मार्किंग स्कीम यहाँ पे। फिर एक तो क्वेश्चन 3 सॉल्व करो या फिर क्वेश्चन 4 करो। तो यहाँ पे पूरे पेपर में 7, 7, 4 एंड 7, 7, 3 का जो पैटर्न है वो यूज़ किया गया है और सेम ऐसे ही आपको मैक्सिमम जो पेपर्स है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो पेपर पैटर्न गाइज अभी हमने देख लिया, अब देखते गए कि कैसे आपको जो है वो एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो गाइज मैं आपको ये बता देता हूँ कि एंड सेम एग्जाम के लिए आपको कब से जो प्रिपरेशन है वो शुरू कर देना चाहिए। तो पेपर के 15 या फिर 20 दिन पहले से जो गाइज है वो आपको अपना प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इतना टाइम आपको मिलता है तो ईजिली आप जो है 40 या फिर 40 से ऊपर जो है वो स्कोर कर पाओगे। बट अगर आप 10 दिन पहले या फिर 5 दिन पहले स्टार्ट करते हो तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ कुछ जो सब्जेक्ट्स है वो काफ़ी बड़े होते हैं और जो सिलेबस है उसका वो भी काफ़ी बड़ा होता है, तो वो कवर नहीं हो पाता है। तो ट्राई करना 15 या फिर 20 दिन पहले से शुरू करो, और एकदम इंटेंस पढ़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे 10वीं या फिर 12वीं में हम एकदम बैठे तो बैठ जाते थे, तो वैसा इंजीनियरिंग में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 15-20 दिन पहले से स्टार्ट करते हो तो अगर आप धीरे धीरे ओवरलुक करना भी शुरू करते हो, बस मेन टॉपिक्स भी पढ़ना शुरू करते हो, तो उससे आपको काफ़ी जो इन्फो है वो मिलेगी कि कैसे आपको जो है वो स्ट्रैटेजी करना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। साथ ही में ये भी पता चलेगा कि कौन से जो यूनिट्स है वो बड़े और कौन से यूनिट जो है वो छोटे हैं। जितनी भी मैंने एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दी है तो मुझे हमेशा ये समझ में आया कि जब भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन होती है तो उस सेमेस्टर में, स्पेसिफिक सेमेस्टर में, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि थोड़े टफ होते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि थोड़े बहुत जो है वो ईजी होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम 1 या फिर 2 सब्जेक्ट्स ऐसे ज़रूर रहेंगे जो कि थोड़े ज़्यादा टफ रहेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। तो उन सब्जेक्ट्स के ऊपर गाइज आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो ध्यान है वो देना पड़ेगा। तो अगर आप कुछ दिन पहले स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और कौन से ईजी सब्जेक्ट्स है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आप जो अपना प्लान है वो बना सकते हो और अपनी स्टडी को जो है वो फिर स्ट्रेटजी करके कर सकते हो, ठीक है। तो ट्राई करना, थोड़े दिन पहले स्टार्ट करो ताकि आपको आगे जाके ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो फेस ना करना पड़े। फिर नेक्स्ट है गाइस, स्टडी कहाँ से करें। तो मेनली गाइस जो स्टडी है वो आप नोट से कर सकते हो। अगर आप थर्ड ईयर या फिर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होगे तो आपके पास जेरोक्स तो हो गई, ठीक है, मतलब थर्ड ईयर और फाइनल ईयर वालों के पास बुक से ज़्यादा जेरोक्स रहता है, ठीक है, तो उससे आप कर सकते हो, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और पब्लिकेशन की जो बुक्स है वहाँ से भी आप कर सकते हो। पब्लिकेशन बुक्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ये क्वेश्चन कब आया था, कहाँ से आते हैं, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है, तो इससे आप पढ़ सकते हो। और एंड सेम के लिए गाइस ट्राई करना कि मल्टीपल पब्लिकेशन की बुक्स जो है वो रेफ़र करो, क्योंकि कुछ कुछ पब्लिकेशंस में बहुत ही ईजी वे में जो है वो चीज़ें दी जाती है। और जैसे 10th एंड 12th में हमें इस क्वेश्चन के लिए इतना लिखना है वो पहले से ही पता रहता था, यहाँ पे वैसा नहीं रहता है। तो कौन से क्वेश्चंस के लिए कितना लिखना है अगर आप कंपेयर करोगे पब्लिकेशन बुक्स में, तो आपको समझ में आएगा कि इसके लिए अगर इतना भी लिखते हैं तो सफिशियंट है, जिससे आपका जो टाइम है वो बचेगा। तो ट्राई करना डिफरेंट पब्लिकेशंस के लिए बुक्स के जो है वो रेफ़र करो, या फिर अगर नोट्स है आपके पास तो बहुत बढ़िया बात है, उससे भी आप अपना जो प्रिपरेशन है वो बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। अब नेक्स्ट है गाइस,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ कि स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल यूनिट बिकॉज वेटेज इज़ ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो मैंने आपको गाइस वेटेज दिखाया कि कुछ यूनिट का जो वेटेज है वो 17 रहेगा और कुछ यूनिट का जो वेटेज है वो 18 मार्क्स का रहेगा। तो डिफरेंस कितने मार्क्स का है? 1 मार्क का। ठीक है, और जब भी मैं बुक्स देखता हूँ इंजीनियरिंग की और जो सेमिस्टर वाइज बुक्स आती है, तो उसमें कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जो कि छोटे होते हैं। जैसे मेरे पास अभी करंटली मैं इसका मतलब पेपर होने वाला अभी, तो ये मेरे पास बुक है डा की, ठीक है, डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम इसके बुक। तो इसमें अभी हमारी एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होने वाली है, तो इसमें थर्ड और फोर्थ यूनिट जो है वो 90-90 पेजेस के है। ठीक है, और जो बचे हुए फिफ्थ एंड सिक्स्थ यूनिट है वो 30-30 पेजेस के है। ठीक है, और इतना इंटर रिलेटेड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा फिफ्थ एंड सिक्स्थ यूनिट को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि अगर मेरे दो भी यूनिट हो गए तो ऑलमोस्ट मेरे 30-35 मार्क्स का जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है और मुझे एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि अब तो मैं जो है वो पास हो ही जाऊँगा, अब मैं स्कोरिंग के लिए जाऊँगा और फिर जो बड़े बड़े यूनिट्स है उसमें से जो मेन मेन क्वेश्चंस है वो कर लूंगा, ताकि मेरा जो स्कोर है वो इजीली 40 के ऊपर चला जाए। ठीक है, तो ये भी देख सकते हो कि कौन से स्मॉल यूनिट है और उसके अकॉर्डिंग अपना जो प्लान है वो कर सकते हो और उनको स्टार्ट कर सकते हो पहले, और फिर बड़े यूनिट्स के लिए जो है वो जा सकते हो। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको समझ में भी आएगा कि कैसे आपको जो है वो पढ़ना है और आगे के लिए कैसे जाना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है गाइस, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड पेपर्स। ठीक है, तो क्वेश्चंस अलग है और पेपर्स जो है वो अलग है। तो ठीक है, तो जितने भी पेपर्स अवेलेबल होंगे उनको एक बार ओवरलुक कर लेना। अगर आपका M1 है, M2 है, M3 है, DM है या फिर मैकेनिक्स है, अगर आप इन सब्जेक्ट की एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उनको पढ़ना मत। ठीक है, उनको सॉल्व करके देखना, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि M1, M2, M3 एक ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे क्वेश्चन आती है, अगर आपको समझ में आता है कि ये स्टेप अप्लाई करना है और ऐसे आंसर आएगा, तभी जाके आपको जो आंसर्स है वो आते हैं। नहीं तो फिर अगर वहाँ से आप स्टार्ट करते हो और आपको कोई भी आइडिया नहीं उस क्वेश्चन के बारे में, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो आंसर आने के जो चांसेस है वो काफ़ी कम रहता है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इन सब्जेक्ट का उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, और बाकी के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स रहेंगे उनके, जैसे मैंने आपको बताया कि पब्लिकेशन बुक्स में जो है वो लिखा रहता है। ठीक है, जैसे ये पब्लिकेशन की एक बुक है, इसमें लिखा है कि ये जो पेपर है मतलब ये जो क्वेश्चंस है वो कब आया था और कितने बार आया था। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस की आप जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हो सकता है कि वो जो क्वेश्चंस है वो रिपीट हो जाए। फिर नेक्स्ट है गाइस, प्रैक्टिस डायग्राम प्रॉपरली टू गेट गुड मार्क्स। तो इंजीनियरिंग या फिर जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, अगर यहाँ पे आप अच्छी डायग्राम ड्रॉ करते हो तो आपको गाइस वहाँ पे ज़्यादा मार्क्स मिलने के जो चांसेस है वो हो सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि मतलब समझने में या फिर मतलब लर्न करने में या फिर उनको लिखने में थोड़ा जो है वो टफ जा सकता है, तो उस टाइम मैं क्या करता हूँ कि उनको स्किप नहीं करता हूँ। अगर वहाँ पे डायग्राम है तो वो डायग्राम जो है वो अच्छे तरीके से कर लेता हूँ और फिर उस डायग्राम के ऊपर जितना हो सकता है उतना जो है वो मैं लिख देता हूँ। तो उससे गाइस आपको जो है वो ज़्यादा फायदा हो सकता है, डायग्राम पे आपको अच्छे खासे जो मार्क्स है वो मिल जाएंगे, और अगर अच्छी डायग्राम रहेगी तो जो भी चेक कर रहा होगा उसको समझेगा कि यार डायग्राम तो अच्छी बनाई है, तो हो सकता है कि जो एक्सप्लेन किया वो भी सही होगा। तो अगर आप अच्छी हैंडराइटिंग में लिखते हो तो हो सकता है अगर आपने गलत भी एक्सप्लेन किया है तब भी आपको जो ज़्यादा मार्क्स है वो मिल जाए। तो अगर डायग्राम से उस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो ज़रूर गाइस जो डायग्राम है वो अच्छी तरीके से ड्रॉ करना है। जैसे SME वगैरह सब्जेक्ट हो गया, वहाँ पे काफ़ी डायग्राम्स रहती है, तो डायग्राम्स अच्छे से ड्रॉ करोगे तो आपको मार्क्स जो है वो ज़्यादा मिल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है गाइस, इसका मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मेक यूर ओन शॉर्ट फॉर्म्स टू लर्न टाइप्स एंड एब्रीवेशंस। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पूछे रहते हैं, जैसे हमको एक सब्जेक्ट है साइबर सिक्योरिटी, तो उसमें टाइप्स ऑफ वायरसेस पूछे, ठीक है, तो वहाँ पे 9 तरह के डिफरेंट डिफरेंट वायरसेस है, तो मैं सभी का जो फर्स्ट जो लेटर होता है उसका एक ऐसे नाम टाइप बना लेता हूँ, जिससे फिर मुझे याद रहता है कि ये नाम है, और फिर उसके जो एब्रीवेशंस है वो मुझे लर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप जो शॉर्ट ट्रिक्स है उनका यूज़ कर सकते हो, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जो भी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं गाइस, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको फुल मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं, तो अगर आप वो छोटा सा एब्रीवेशन बेंचेस या फिर कहीं पे भी लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट वो अगर शॉर्ट फॉर्म आपको याद हो जाता है तो उससे गाइस आप फिर जो एब्रीवेशन है वो इजीली कर सकते हो और आपको जो है वो फुल मार्क्स मिलने के जो चांसेस है वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस ट्रिक का जो है वो ज़रूर यूज़ करना, अगर आपको समझा होगा तो आपको ज़रूर ये फ़ायदेमंद आएगा। फिर नेक्स्ट है गाइस, डोंट स्किप होल यूनिट, ट्राई टू डू सम पार्ट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो तो आपको यूनिट जो है वो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखो गाइस, यूनिट स्किप करना मतलब कुछ कुछ स्टूडेंट्स के लिए हार्ड हो सकता है, जो मतलब एकदम लेट स्टार्ट करते हैं वो ऐसा करते हैं कि एक पूरे यूनिट को जो है वो स्किप ही कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सभी यूनिट का जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट
आसपास ही और ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो अगर आप दो यूनिट जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से करते हो, मतलब यहाँ पे अगर आपके 30 मार्क कन्फर्म है और बचे हुए यूनिट आपको उतने अच्छे से नहीं आ रहे हैं, तो उनको एकदम स्किप मत करना। ट्राई करना कि उनके जो मेन मेन पार्ट है या फिर ऐसे पार्ट जो कि ज़्यादातर पूछे गए हैं, उन पार्ट्स को जो है वो थोड़ा रीड आउट कर लो। पूरा भी मत पढ़ो, अगर आप रीड आउट भी करोगे और थोड़ा बहुत भी लिखोगे तो आपको अच्छे खासे जो मार्क्स है वो पेपर में मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 6 क्वेश्चन आते हैं एक ही यूनिट पे, और 6 में से अगर आप एक पार्ट भी अच्छे से करते हो तो एक क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे तरीके से जो है वो आ ही जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करना पूरा जो यूनिट है वो स्किप मत करना, हो सकता है जितना हो सकता है उतना जो है उसको रीड आउट तो भी कर लेना, ताकि पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो कुछ तो भी जो है वो आप लिख पाओ, और अगर कुछ भी लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलने के जो चांसेस है वो रहते हैं। तो अब बढ़ते हैं इस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर जो कि स्टूडेंट्स के मन में आते हैं, और इससे भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो ये भी पूरा ज़रूर देखना। तो सबसे पहले कि जो पेपर से वो कहाँ सेट होते हैं, तो ये जो पेपर से गाइस वो यूनिवर्सिटीज सेट होके आते हैं, जहाँ पे कुछ पेपर सेटर्स को बुलाया जाता है, वो अलग अलग पेपर सेट करते हैं उस सब्जेक्ट के, और उसमें से एक जो पेपर है वो लिया जाता है, ऐसा होता है पूरी प्रोसेस। तो पेपर जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही आते हैं। नेक्स्ट है गाइस पेपर टफ सेट होते हैं या फिर ईजी। तो जनरली गाइस जितना मैंने देखा है तो जो पेपर है वो मीडियम या फिर मीडियम से थोड़ा ऊपर लेवल के ही जो है वो रहते हैं, एकदम ईजी जो पेपर है वो नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आप अच्छी खासी पढ़ाई करते हो तो आपको अच्छा जो है वो पेपर में आ जाएगा, और अगर आपकी थोड़ी बहुत पढ़ाई भी होती है तब भी कुछ जो क्वेश्चंस है वो आप जरूर सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट है गाइस पेपर्स चेक कहाँ होते हैं। तो जो पेपर्स है वो यूनिवर्सिटी में ही जो है वो चेक होते हैं, तो अलॉट किए जाते हैं कुछ कॉलेजेस को पेपर्स चेक करने के लिए, फिर वहाँ पे दूसरे कॉलेजेस के टीचर जाके जो पेपर्स वगैरह वो चेक करते हैं। तो ऐसी बहुत लंबी प्रोसेस होती है, ठीक है। और जो चेकिंग है वो टफ होती है या फिर ईजी, तो जो चेकिंग है उसकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी रहती है, ठीक है। अगर आप अच्छा लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स भी दिए जाते हैं, अगर आप अच्छा नहीं लिखते हो तो फिर कम मार्क्स भी यहाँ पे जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। एकदम गाने वगैरह लिख के आओगे तो मार्क्स मिलेंगे ऐसा नहीं होता है, रिलेटेबल लिखते हो तो मार्क्स आपको है वो मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट है कितने मार्क्स का पेपर सॉल्व करना पड़ेगा पास होने के लिए, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है यहाँ पे सेपरेट पासिंग होती है, और सेपरेट पासिंग के लिए आपको 28 जो स्कोर है वो करना पड़ता है, ठीक है। अगर इनसेम में आपको 12 मिल गए तो यहाँ पे 28 अगर स्कोर करोगे तो आप पास हो जाओगे, इनसेम में कम करोगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो देखो सपोज मैं करता हूँ कि आपने इनसेम में 12 या फिर 12 से ज़्यादा स्कोर किए, तो आपको फिर 28 या फिर इससे ज़्यादा जो है वो स्कोर करना पड़ेगा। तो अगर आपको 28 मार्क्स लेना है और आपको एक सेफर साइड पे रहना है तो ट्राई करना गाइस 35 से लेके तो 40 मार्क्स का जो पेपर है वो सॉल्व कर दो, ठीक है। इतना अगर आप सॉल्व करोगे तो मतलब अच्छे से सॉल्व करोगे तो इजीली जो है 28 मार्क्स मिल जाएंगे। मैं ऐसा ही करता हूँ, अगर मेरे को लगता है कि यार पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है और बस पास ही होना है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि 35 टू 40 तक का जो है वो प्रिपेयर कर लूँ, ताकि ईजिली मैं जो है वो पास हो जाऊँ। तो पास ही होना है यही आपका गोल है, तो 35 टू 40 मार्क्स का ज़रूर लिख के आना, चाहे नहीं भी आ रहा होगा तो रिलेटेबल कुछ तो भी लिख के आना, ताकि आपको 28 के आसपास जो है वो मार्क्स मिल जाए। अगर 27, 26 वगैरह होते हैं तो फिर ग्रेस भी लगता है, तो वो कैसे लगता है अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो बताना, मैं उसके ऊपर भी ट्राई करूँगा वीडियो बनाऊँ। बट इतना सॉल्व करोगे तो सेफर साइड रहोगे और इजीली जो है वो पास हो जाओगे। नेक्स्ट है एक्सटर्नल टीचर्स आते हैं क्या राउंड मारने ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस। तो जी हाँ गाइस, जब एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस होते हैं तो डिफरेंट कॉलेजेस के जो टीचर्स है वो भी आते हैं ऐसे राउंड वगैरह मारने, चेकिंग वगैरह करने, ठीक है। जो चीटिंग वगैरह वो भी चेक वगैरह की जाती है, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के टाइम। फिर नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट, चीटिंग कर सकते हैं क्या। तो देखो अगर आप चीट्स वगैरह लेके जाते हो तो मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, बट अगर आप आगे वाले का देख रहे हो या फिर बेंच पे अगर कुछ शॉर्ट फॉर्म वगैरह लिखा है एब्रीवेशंस के लिए तो वो सब ठीक है, बट एकदम चीट्स वगैरह लेके मत जाना, ठीक है। क्योंकि मैंने एंड सेम एग्ज़ाम में देखा है बहुत सारे लोग टॉयलेट में चले जाते हैं, आते ही नहीं, या फिर किसी के ऐसे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट मैं यही सजेस्ट करूँगा यार, ठीक है, कि मत करो चीटिंग, ठीक है। चीटिंग मतलब वो चिट्स वाली तो करना बहुत ही डेंजर है, और पुणे यूनिवर्सिटी में अगर चिट्स मिल गई तो फिर आगे जाके हाल जो है वो काफ़ी बेहाल करते हैं, तो संभल के रहना, ठीक है। इस बारे में अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो ही कुछ आगे पीछे देखो, नहीं तो फिर बहुत कठिन है यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गाइस ऑल द बेस्ट। तो इतना सब कुछ था गाइस एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के ऊपर, और जितना मुझे एक्सपीरियंस है कुछ मैं आपको यही मैं भी बता देता हूँ कि क्या चीज़ें और करना चाहिए। देखो एंड सेम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले तो अपना टारगेट सेट कर लेना कि कितने मार्क्स जो है वो आपको स्कोर करना है, और थोड़ा पहले जो है वो स्टार्ट कर देना। और एंड सेम के टाइम गाइस जितना मैंने देखा है कि जो प्रेशर है वो ज़रूर आता है, और ऐसा लगता है कि यार फेल तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि फिर कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिपरेशन अच्छा नहीं होता है, मेनली जब आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाओगे, जहाँ पे आपके प्लेसमेंट्स रहेंगे, प्रोजेक्ट्स रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें रहेगी। हम थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले मैक्सिमम लेक्चर्स भी नहीं करते, तो पता नहीं रहता कि क्या सिखाया गया, पूरी सेल्फ स्टडी होती है, तो थोड़ा मतलब डर लगता है। तो मैं यही बोलूँगा कि यार देखो
दो यूनिट भी अच्छे से करके जाओगे तो पास होने के जो चांसेस वो ज़्यादा रहता है। बस पेपर जो है वो लिख के आना तो पास हो जाओगे, ठीक है। अगर आप पेपर ही नहीं लिखते हो तो पास होना जो है वो मुश्किल होता है, ठीक है। जब पिछले बार जो मतलब 2022 में जब समर एग्जामिनेशन हुई थी, जब कोरोना के बाद डायरेक्ट एग्जामिनेशन हुई थी, तब भी मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि यार इस बार अगर फेल हो गया तो क्या होगा वगैरह वगैरह। बट पेपर अगर लिखते हो अच्छे से पास हो जाओगे। और एक अच्छी बात मैं आपको ये भी बताता हूँ कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में जब आप जाओगे तो आपको पॉइंटर का ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि थर्ड ईयर में आपको इंटर्नशिप रहती है जिसके आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं, और फोर्थ ईयर में मेजर प्रोजेक्ट रहता है जिसके फर्स्ट सेम में 50 मार्क्स होते हैं आई थिंक, एंड सेकेंड सेमेस्टर में जो रहता है फाइनल का 150 या फिर 100 मार्क्स रहता है, जिससे आपका ओवरऑल जो पॉइंटर है वो अच्छा रहता है। पॉइंटर के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में बहुत एकदम फाइट मारो, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में अगर आप पास या फिर 30-35 भी स्कोर करते हो तो बढ़िया जो पॉइंटर है वो आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन मत लेना एंड सेम का, अच्छे से पढ़ाई करो, पास हो जाओगे, एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो में इतना गाइज, होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहे।